आज जो है एक विषय वस्तु को लेकर आपसे चर्चा करने करेंगे। विषय वस्तु है आपकी ड्रीम, है ना। आज आप लोग बैठे हुए हो बहुत सारे सपनों को लेकर के, सबके अंदर होते हैं। बचपन से ही हम एक सपना लेकर के जीते हैं। याद करो वो टाइम पीरियड जब हम बिल्कुल छोटे थे, और बचपन का मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल छोटे होते हैं। छोटा बच्चा जो है उसके सपने फिर धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। कुछ अवधि आगे चल के ये हो जाएगी, आज जैसे कि आप लोग बैठे हुए 25 एज पे, 25 साल का, ये 10 साल बाद फासला 35 का हो जाएगा, ठीक। आज भी आपके आँखों में सपने, बहुत सारे सपने आप संजोए हुए हो, हो सकता है कि डेली उनको आप संजोते भी हो, देखते भी हो, समझते भी हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करते हो। लेकिन देखो, बहुत कम लोग ही होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। मुद्दा इस बात का है, सपने मर जाते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको सपने देखने में डर लगेगा। जैसे कि अभी हो सकता है कि ये कंडीशन किसी किसी के साथ शुरू हो गई हो। थोड़ा सा और पीछे जाइए, 5 साल पहले 20 साल की उम्र, और थोड़ा सा पीछे जाते हैं 15 साल की उम्र, यहाँ पे बिल्कुल कोई डर नहीं था। यहाँ पे हम बिल्कुल ज़बरदस्त 10वीं पास करके हमने 11वीं में कदम रखा था, कोई डर नहीं लगता था सपने देखने में। बहुत सारे सपने हमने देखे हैं। 10वीं से 1 साल और पहले जाते हैं, 14 साल की उम्र पे जाते हैं। यहाँ पे आप सपना देखते हो 10वीं का, पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम, जिसका एक हमारे देश में या हमारे समाज में वैल्यू किया जाता है। ये समझा जाता है कि बच्चा जो है इसके बाद जो है उसकी मेधावी है कि नहीं है, ये पता किया जाएगा। इसके बाद आपके ऊपर एक मुहर लगना चालू होती है जो सोसाइटी हमारी बना चुकी है। यहाँ पे सपना देखता है 9वीं में, बच्चा 9वीं क्लास में बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। हो सकता है उसके दिमाग में रहता हो कि 10वीं टॉप करूँगा, बहुत अच्छा परसेंटाइल लाऊँगा, सब कुछ लाऊँगा। लेकिन फाइनली 10वीं में कुछ लोग होते हैं जो अपने टारगेट को लेकर अचीव करते हैं, कुछ लोग यहीं से थोड़ा सा निराशा का वातावरण क्रिएट होता है उनका। यहीं से समाज उनको एक नए वैल्यू सिस्टम में कि ये बच्चा मेधावी है कि नहीं है, ये बताना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद 11वीं में आते हो, फिर सपने देखते हो, यहाँ से थोड़ा सा डर लगने लग जाता है आगे कैरियर को लेकर के। यहाँ से शुरुआत होती है, कैरियर की बिल्कुल बिगनिंग होती है। 11वीं के बाद 12वीं में भी सपने खूब बड़े स्तर के होते हैं। मेरे ख्याल से 12वीं में भी आप 11वीं में भी सोचते हो कि आप चलो 10वीं में कुछ नहीं कर पाया तो 12वीं में तो कुछ ना कुछ करूँगा। और फाइनली इसके बाद यहाँ से ये भी तय होना शुरू हो जाता है, एक उपापोह होनी चालू हो जाती है कि एक तो यहाँ पे इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रीम में जाएं। यहाँ पे गाइडेंस का भी एक रोल होता है। स्ट्रीम बहुत गचबच हो गई यदि आपकी, सबसे ईजी है कि साइंस साइड ले लो, क्योंकि उससे एक प्रतिष्ठा जुड़ जाती है साइंस साइड लेने से, तो साइंस में स्टूडेंट चला जाता है। जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको मान लिया जाता है कि मेधावी स्टूडेंट बिल्कुल नहीं होगा, आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा, ये साइंस वाला बहुत अच्छा बच्चा होगा। तो धीरे धीरे यहाँ से, अभी यहाँ भी सपने होते हैं, यहाँ पे ये लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में आते हो, यहाँ पे जब आते हो 12वीं के बाद की जो लाइफ है आपकी, यहाँ पे जो आपका यदि बीए बीएससी बीटेक कुछ भी करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा गुजरता है, यहाँ पर भी फुल एनर्जी होती है, ठीक है। इसके बाद कंडीशंस थोड़ा सा डगमगानी चालू होती है। रीज़न क्या है, हम रीज़न पे चर्चा करना चाहते हैं। इसके बाद क्या होता है, अभी भी सपना देखना छोड़ता नहीं है बच्चा, अभी भी इसको सपने देखता रहता है। लेकिन जब सेकेंड ईयर में आता है थोड़ा सा धार कम होती है, यदि सपनों का फ्लक्चुएशन ऐसे ऐसे चल रहा होगा तो फ्लक्चुएशन कम होना शुरू हो जाता है, धीरे 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 इस कंडीशन में आ जाता है। इसके बाद जब आपका थर्ड ईयर आता है, थर्ड ईयर में एक भय का वातावरण चालू हो जाता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया देखा लोगों को। इसके बाद थर्ड ईयर के बाद से डर पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। अब किस चीज़ का डर है, ये विभिन्न विषयों पर इस पर चर्चा की जा सकती है। और इसके बाद आपकी लाइफ जो है ऐसा लगती है कि जैसे रुक गई हो, कंडीशनिंग कुछ ऐसी बननी शुरू होती हैं। इसके बाद भी एक्साइटमेंट रहता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्साइटमेंट लेवल जीरो हो जाता है, लेकिन इस समय कहानी गड़बड़ हो चुकी होती है। बीटेक का वो बच्चा जो फर्स्ट ईयर में प्रेस करके अपनी साइट पर जाता है, थर्ड ईयर में नहीं जाता है ना, वो फिर वैसे ही जाना शुरू हो जाता है। अरे कोई दिक्कत नहीं, वो डेली प्रेस प्रेस करके उसका वो मोटिवेशन, सब बहुत बेसिक बातें हैं,
जो एक्साइटमेंट उसे बात करने में सुनाई देती थी कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, उसका ऐसा वैसा सब चीज़ें धीरे 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 स्लो डाउन में चली जाती हैं। मुद्दा ये है कि ये 14 साल का जो बच्चा था ये कैसे मर गया, ये कैसे आज हमें इस 25 साल के बच्चे में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्या दिक्कत हो गई इसके। या फिर ये जब 35 साल में कन्वर्ट होगा तब इसके साथ, तो ये तो सपने देखने से डरने भी लगा, इसको तो लग रहा है कि सपना देखना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कभी अपने फादर से बात करिएगा, आपका एक्साइटमेंट और उनके एक्साइटमेंट बहुत अंतर होगा। हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ उन्होंने जी है, हम अभी प्रैक्टिकल लाइफ को हमने नहीं जिया है। अब प्रैक्टिकल लाइफ किसे कहते हैं ये भी कोई फिक्स नहीं है कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बराबर की कहानी होगी। हो सकता है आपकी लाइफ का नज़रिया अलग हो, मेरी लाइफ का नज़रिया अलग हो, मेरे फादर की लाइफ का नज़रिया अलग हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी समस्याओं को हम भौतिक सुख संसाधन से जोड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास ये चीज़ होता तो शायद हम कुछ बहुत बेहतर कर पाते। भौतिक सुख सुविधाएं है ना, इनको जोड़ करके बैठ जाते हैं कि शायद हमारे पिता हमको भौतिक सुख संसाधन नहीं दे पाए, इस कारण से आज हम इतना पिछड़ गए। यदि दे पाते, ऐसा नहीं है, ऐसे तो फिर भारत में जितने भी अमीर वर्ग के लोग हैं वही निकल पाते, उन्हीं के बच्चे ही हो पाते, है ना। समाज का वो तबका बिल्कुल नहीं निकल पाता। आप IIT में देख लीजिए या सिविल का हर साल रिजल्ट देखिए तो 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि जीरो से होती है, शुरू जीरो से 50% बच्चा हर साल होता है सिविल में। स्टेट PCS वगैरह में तो ये रेशियो 70% प्लस चला जाता है, जो अभावग्रस्त लोग होते हैं उनकी बातें कर रहा हूँ। तो मुद्दा है यहाँ पे कि ये बच्चा कैसे जिंदा होगा, ये वाला ये कहाँ चला गया। ये थोड़ा एनालिसिस की बात है, बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात। हो सकता है ये चीज़ें आज आपको समझ में नहीं आए, ये समय के थपेड़ों के साथ समझ में आए। आप अपने सीनियरों से मिलिए जो 2 बार 3 बार UPSC का एग्ज़ाम दे चुके हैं, PCS दे चुके हैं, ऐसा लग रहा है उनके सपने मर गए हैं, ऐसा लग रहा है उनको डर सा चालू हो गया है। जिन लोगों ने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया उससे बात करिए, और जिसने 3 अटेम्प्ट दिए हैं उससे बात करिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको। कुछ कारण है, बहुत सारे रीज़न है। हो सकता है आपको लगे, मान लीजिए कोई बड़ी सी चट्टान है ना, या फिर ये दीवार है, मैंने आपको बोला कि दीवार तोड़नी है, कुछ लोग दीवार तोड़ने में लगे हुए हैं और नहीं तोड़ पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आए और दीवार तोड़ के उस पार चले भी गए, उस पार निकल गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बस उनका मौका, उनका नंबर है, अगली बार अब उनको काटा जाना है, अब उनका उनको दीवार तोड़ने लिए पहुंचना है। तीनों से बात करेंगे, बहुत डिफरेंसेस पता चलेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हताश होकर निराश होकर इस दीवार को तोड़ने का प्रयास भी नहीं कर रहे, उनको लग गया है कि शायद हमारे बस की बात नहीं है, जब मैं उनमें उनके बीच में से ही कुछ लोगों ने इस दीवार को तोड़ा भी है, ये भी है, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं तोड़ा है। तो अब मुद्दा है यहाँ पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ। समय के साथ साथ आपके सपने जो है धूमिल होते जाते हैं। सपनों का जो दीपक आप जलाते हैं उसमें आप डेली ना तेल डालते ना कुछ डालते तो बुझ जाता है वो समय के साथ साथ। अब ये इशू को आपको समझना पड़ेगा, यदि आप इस इशू को पे समझेंगे नहीं, इस पे थोड़ा सा भी गौर नहीं फरमाएंगे तो आपके सपने महज सपने ही ना बन के रह जाएं। मुद्दा इस बात का है कि आज जो आप बड़ी चीज़ें संजोए बैठे हो सकता है उन सपनों को आप बांट भी रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, लोगों को बता भी रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। डॉक्टर कलाम साहब की एक बात याद आती है हमेशा, कलाम साहब कहते थे कि यदि किसी काम को करने में मुझे ये पता चल जाए कि 0.0009% भी संभावना है तो उस काम को मैं करूँगा, यदि वो सफल होगा तो। अग्नि, जब अग्नि की उड़ान, उन्होंने जो विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने कहा कि जब बार बार ये हो रहा था कि बार बार फेल्योर सामना करना पड़ रहा था, बार बार फेलियर आ रहा था, तो उनके दिमाग में बस एक ही बात आती थी कि 0.00009% भी संभावना है, क्योंकि किया है, नासा ने करके दिखाया है, बाकी जगहों ने करके दिखाया है। तो मुद्दा इस बात का है कि कोई चीज़ संभव असंभव तो नहीं होती, ये बात तो तय है, क्योंकि हमारे बीच के ही लोग करके निकल जाते हैं। मुद्दा आपके अंदर का जो वो बच्चा मर जाता है जो 14 साल में था, दरअसल उस बच्चे को डर सताने लगता है बहुत सारे लोगों का। हो सकता है अभी आने वाले समय में आप लोगों को डर सताना चालू हो जाए। डर किसका? अपने आप का डर नहीं, मुझे अपने आप से कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरी जो अपने आप से जवाबदेही है बहुत न्यूनतम होती है। मुझे डर है सोसाइटी का, समाज का। आप समाज के डर से हो सकता है अपने स्ट्रीम को बदल दें, अपने समाज के डर से धीरे धीरे, वो होता है सबके साथ होता है, एक्साइटमेंट लेवल आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, माइनस में चले जाओगे आप एक समय के बाद।
अब इसके तीन चार रीजन है। पहला रीजन है कि आप इनपुट कितना दे रहे हो अभी अभी। एक्चुअली मैं आपको, यदि आपके पास बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे इस एज पे क्या होता है, ये वाली एज, ये सबसे परफेक्ट टाइम पीरियड होता है जब आप बीए फर्स्ट ईयर में जा रहे होते हैं, यानी बारहवीं के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। जो बारहवीं का बच्चा होता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो मैक्सिमम 20 तक भी गया है, यदि मैं भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो ग्रेजुएट हो जाते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा एज मैंने बता दी, यहाँ पे मान के चलो 17 साल की उम्र में सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है हमारी लाइफ का, सबसे बेस्ट टाइम पीरियड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहली बात, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा नहीं है। जब हम बहुत सारी चीज़ों को देखते नहीं है, एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, और ये कहानी मैंने कई बार सुनाई भी है, विश्व इतिहास के टॉपिक में ये कहानी आई थी, ये कहानी नेपोलियन बोनापार्ट की है, ठीक है। और नेपोलियन एक दिन मैंने क्लास में भी चर्चा की थी, तो उसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने सिर्फ यही समझाने का प्रयास किया कि जितने लोग उस भय को देख चुके हैं, जो भय उनको लग रहा है जिस चीज़ का, है ना, वो सिर्फ उस भय के कारण ही उस चीज़ को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। यदि आपके अंदर भय बढ़ दिया जाए किसी चीज़ का, आपको बता दिया ये चीज़ इतनी खतरनाक है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, भ्रम भर दिया जाए, वो भय होता नहीं। भय का मतलब भ्रम है और कुछ नहीं, सीधी कोई चीज़ भय होती नहीं है। डर तो आपके अंदर भ्रम का बैठा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाते हो। जो चीज़ें आप कर पाते हो वही चीज़ें आपके लिए आसान है, जो चीज़ें आप नहीं कर पाते वही चीज़ें आपके लिए कठिन है। विभिन्न विषयों में हो सकता है 500 चीज़ें जो आप कर पाते हो कोई और नहीं कर पाता हो, और वही 500 चीज़ें जो आप कर पाते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए भय बनी हो, भ्रम बना हो। मुद्दा इस चीज़ का है। तो ये मुद्दा है इनपुट का, कि आपका इनपुट कैसा है, आपने इनपुट कब दी इस उम्र में। ये जो 17 साल की उम्र है, यहाँ का जो इनपुट है, ये यहाँ से काम चालू होगा, लेकिन यहाँ पे हम इनपुट देते नहीं हैं, यहाँ पे हम इनपुट देते नहीं, क्यों, हवा हवाई में। वो जो हमारे ब्रेन का जो लेवल होता है वो इतना हाई लेवल, हाई पीक पे होता है कि हमें किसी की बातें समझ में भी नहीं आती, और खुद भी नहीं समझ में आता, हमें लगता है अरे बहुत टाइम है, इनफ है। जैसे आज आप लोग बैठे हुए हो, आज आप लोगों के पास समय है, मौका मिला है आप लोगों को, एक साल का, डेढ़ साल का, दो साल का, इससे ज़्यादा मौका नहीं होगा, किसी के पास नहीं होता एक साल से डेढ़ साल दो साल का। मेरे पास बहुत बच्चे आए, मैं कम से कम 1 लाख 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट अभी तक गाइड कर चुका हूँगा अपने इसमें, मैंने बहुत लोगों को देखा है। शुरुआत में तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, एक स्टूडेंट आए थे वो कह रहे थे कि 1.5 महीने में ही मैं निकाल दूंगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी आए हैं यहाँ पे, और वो डॉक्टर थे, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि डॉक्टर लोग पढ़ते भी बहुत हैं, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी था कि मैंने इतने बड़े बड़े एग्जाम निकाले हैं तो आप कैसे नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन फाइनली होता कुछ नहीं है, क्यों, वो एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट में आप कुछ भी बोल सकते हो और कर भी सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुद्दा ये होता है कि आप, वो एक्साइटमेंट आपके यदि जिंदा रह गया तो आप कर पाओगे। यदि ये 17 साल का बच्चा आपको 35 साल की उम्र में मिल जाए फिर से अगेन, तो मुझे लगता है कि आप फिर कमाल कर दोगे, और हो सकता है कि इतना बड़ा कमाल करो कि कोई नहीं कर सकता। तो मुद्दा इस बात का है कि जब आपके लाइफ में ये कंडीशंस आती हैं कि आपका पूरा का पूरा जितना भी मोटिवेशन है वो गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो, दिमागी तौर पर ऐसे लगने लग जाता है चीज़ें क्या हैं। मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका, यदि आप उसको समझें तो आप इजीली वर्क कर पाएंगे। आमतौर पे होता क्या है कि ब्रेन में आपके बहुत सारे एप्लीकेशन खुल चुके होते हैं, कब से कब तक में, 17 साल से लेके जो भी उम्र आपकी हो गई आज तक, इस उम्र में यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंस्टॉल ही नहीं है। मुद्दा तो इस बात का है, जब मोबाइल में, ये मोबाइल है आपका, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हों, है ना, और धीरे धीरे मोबाइल में इतने एप्लीकेशन आ जाएँ कि ये मोबाइल हैंग कर जाए, चलना ही बंद कर दे, तो क्या करोगे आप, फॉर्मेट मारोगे या इसको रीस्टार्ट करोगे या इससे धीरे धीरे डेटा कम करोगे, स्पेस बनाओगे या कुछ भी करोगे, दरअसल, या फिर जो एप्लीकेशन अनावश्यक है उनको बंद कर दोगे, नहीं चलाओगे, एक साथ इसमें 50 एप्लीकेशन में खोल दूंगा तो फाइलें एक दूसरे को परेशान करेंगे और ये सिस्टम बंद हो जाएगा, हैक हो जाएगा, एक तरीके से बेकार हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ब्रेन के साथ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करो, ब्रेन के साथ जो आपके इधर उधर के जितने भी, जब कभी भी परेशान हो जाओ, हताश हो जाओ, जब ये लगने लग जाएगी आगे की राह अब शायद नहीं हो पाए, तो मैं सिर्फ एक आसान रास्ता बताता हूँ, 3-4 घंटे के लिए अपने आप को जितने भी चीज़ों से इन्वॉल्वमेंट है छोड़ दो, आराम से सो जाओ उस अवधि में, और अपने आप को फिर से रीबूट करो, पूरी तरीके से सिस्टम को रीस्टार्ट करो। जितने एप्लीकेशन खुले हैं सारे एप्लीकेशन धीरे 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 अनइंस्टॉल करते जाओ,
कोई फ़ायदा नहीं, सब बिना मतलब भ्रम की चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। और फिर से वो 17 साल का बच्चा जो फुल एनर्जी के साथ आपके साथ रहता था, उसको फिर अपने अंदर लेके आओ। और फिर ये कोशिश करो कि मैंने इतनी अवधि तक समय अपना ख़राब कर दिया है, तो अब आगे वाले टाइम को मैं बर्बाद नहीं करूँगा, अब समय का अहमियत समझूंगा और एक एक मिनट, क्योंकि मुझको जो इसका रिजल्ट मिला अभी तक में वो जीरो मिला, कोई रिजल्टेंट नहीं मिला उसका, तभी तो मैं परेशान बैठा हूँ। यदि आप परेशान हैं, हताश हैं, तो एक बात थोड़ा सा पीछे उठ के देखिएगा कि जब आप परेशान नहीं थे, आप इस अवधि में यदि परेशान नहीं थे तो आगे की अवधि में परेशान कैसे हो गए। यदि कोई मुझसे ये कहता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के आपके जीवन में खलल डाल रहा है, ये सबसे बड़ा भ्रम है उसका, झूठ है वो बोल रहा है वो। आप अपने दुश्मन खुद बने हुए हो, आपके दिमाग की कुछ चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं जो आपको परेशान किए हुए पड़ी हुई हैं। कोई दूसरे की हिम्मत ही नहीं कि आपको आकर के किसी तरीके से परेशान कर दे। आप अपनी लड़ाई नहीं जीत पा रहे हो, आप अपने आप से ही लड़ रहे हो, हर बार हार जा रहे हो, आपकी अपनी लड़ाई में आप सबसे कमज़ोर हो। दूसरे को तो आप 50 जवाब दे दोगे, दूसरे को तो आप तुरंत मुंह बंद कर दोगे, लेकिन दिक्कत है कि आप बहुत कमज़ोर हो, आप अपने आप को हमेशा कमज़ोर, दीनहीन, ऐसा लगता है कि अरे मुझसे ज़्यादा कमज़ोर आदमी संसार में धरती में पैदा ही नहीं हुआ। तो सिंपल आसान भाषा में मैं यही आपको समझाना चाहूँगा कि कुछ समय के बाद आपको फिर से यही पैदा करना है और रिबूट करना है, पूरे सिस्टम को रिबूट। और जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो आपने इनपुट दिया जिसके कारण आज आप परेशान बैठे हो, वो इनपुट अब नहीं देना है। तुरंत दिमाग में बैठा दीजिए कि अब जो भी मैंने आज तक शेड्यूल अपना जिया, जो तरीका मैंने अपनाया, वो तरीका सही नहीं है। यदि आप बहुत उलझे हुए व्यक्ति हो तो उलझापन खत्म कर दो वहीं से। उलझा हुआ व्यक्ति का मतलब क्या है? जो दूसरों पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, वो उलझा हुआ व्यक्ति मेरे दृष्टिकोण में है। जो दूसरों से ज़्यादा मतलब रखता है, अपनी लाइफ से मतलब नहीं है उसको, उसको दूसरों की लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट है। आमतौर पर 99% आदमी इसी प्रवृत्ति का आपको मिलेगा, जिसको अपने आप से कोई लेना देना नहीं है। उसको मज़ा किस में आ रहा है? दूसरों में। रिश्तेदारों की चार बातें उसको सुना दो, बड़ा मज़ा आएगा, है ना? वो दूसरों के सुख दुख से, आप खुद बताओ, आप अपने मालिक खुद हो कि आपका मालिक कोई और है? मैं चाहूँ तो आपको 2 मिनट में मोटिवेट कर दूँ, मैं चाहूँ तो 2 मिनट में आपको डिमोटिवेट कर दूँ, तो मेरी पास हो गई ना आपकी रिमोट। आपकी रिमोट है किसके पास? मुद्दा इस बात का है। यदि आप अपनी रिमोट किसी और को दे के बैठे हुए हो, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका रिमोट तो आपके हाथ में होना चाहिए ना। किसके मोटिवेशन से आपको मोटिवेट होना है, कौन सी बातें दिमाग में डालनी है, दिमाग में पूरी गंदगी भरते चले जाते हैं। गंदगी किस चीज़ की? दूसरों की बातों की। दूसरों की चार बातें यहाँ से आ गईं, दूसरों की चार बातें यहाँ से आ गईं, दूसरों की चार बातें यहाँ से आ गईं। अपने लाइफ की उलझन सुलझाने में आप सबसे कमज़ोर आदमी हो, दूसरों की लाइफों में खूब उलझे हुए लोग होते हैं। ख़त्म कर दो, इससे कुछ नहीं होता है, ये आपको सड़ा देगा, आपके मस्तिष्क की जितनी क्षमता है ना, ख़त्म कर देगा, आपकी क्षमताओं का ह्रास कर देगा। दुश्मन की तरह समझो दूसरों के मुद्दों को, दूसरों के मुद्दों से आपका कुछ नहीं होने वाला, ये समझ लीजिए। आप किसी को परेशान करने की यदि सोच रहे हो, तो आप कभी ज़िंदगी में उसे परेशान नहीं कर पाएंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आप खुद परेशान हो जाएंगे, आप खुद बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि आप किसी दूसरे को बर्बाद कर देंगे, आपका भ्रम है, आपकी बस की नहीं है किसी को बर्बाद कर पाना, परेशान कर पाना। तो इसलिए जो उलझापन है, जो मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे हैं, कभी बैठिएगा आप खुद पाएंगे कि कुछ मुद्दे ही नहीं है, बिना मतलब की बातों में मैं परेशान था, दूसरों की चिंता को लेके परेशान था। आपको चिंता इस बात की है कि चाचा क्या सोचेंगे, ताऊ क्या सोचेंगे, फूफा क्या सोचेंगे, है ना, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस 4 घंटे की अवधि में अपने पूरे के पूरे फोकस को अपने ऊपर लाओ और इसके बाद रिबूस्ट होकर के फिर से काम करने में लग जाओ। यदि ये टेक्निक आपने अपने ऊपर सीखी, अपने ब्रेन के सारे एप्लीकेशन बंद करना सीख लिया, जो एप्लीकेशन व्यर्थ के थे जो चल गए। दरअसल जब आप नया नया मोबाइल खरीदते हो ना, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का एक अलग ही क्रेज़ होता है, लोग जानबूझ के करते हैं, अरे इसे भी देखते हैं। तो जब ब्रेन खाली होगा तो आपको लगेगा ये भी देख लेते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, उसको भी ट्राई कर लेते हैं, और फिर फाइनली आपका ब्रेन मोबाइल की तरह पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और परेशान बैठे होते हो, अपने आप से परेशान बैठे होते हो। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, मैं डेली देखता हूँ, मुझे इतनी दया आती है कि अब पूछे मत, यही लगता है कि अब इसका क्या होगा। उम्र कितनी है? 20 साल। चिंता किस बात की है? दुनिया भर की। करना उसको भी कोई एक सही वर्क ही है, लेकिन दुनिया भर की चिंता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बहुत कम उम्र में राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं,
पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, पॉलिटिक्स चले नहीं जाते हैं। दरअसल कॉलेज डिग्री कॉलेज वगैरह में ऐसा माहौल मिल जाता है कि वहाँ पे इन चीज़ों को करने का अलग ही आनंद है। क्यों? सेंटर में रहना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको सेंटर बहुत पसंद होता है, यदि वो मतलब ऐसा नहीं हो सकते कि उनके ऊपर ध्यान न दिया, उनको लगता है कि पूरा फोकस मेरे ऊपर पड़े, अकेला व्यक्ति हूँ जिसके ऊपर पूरी लाइटें पड़नी चाहिए। ये प्रवृत्ति भी बहुत खतरनाक है। आप क्यों सेंटर में रहना चाहते हो? क्या मिल जाएगा आपको सेंटर में रह के? और वो सेंटर आपको खा जाएगा। कितने स्टूडेंट, मेरे तो बहुत मित्र भी हैं जो बड़े बड़े आज के टाइम पे स्टूडेंट लीडर हैं, लेकिन वो उनसे बैठो बात करो तो कहते हैं कि यार हम फ्रस्ट्रेट हैं और कुछ नहीं। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक चीज़ की, क्योंकि सेंटर क्यों, जब भी उनको सेंटर में नहीं लिया जाता वैसी टेंशन में, आज मैं कैसे रह गया, आज मुझे क्यों सेंटर में नहीं लिया गया। मैं आपको एक दो बातें और बताता हूँ। बहुत आपके घर में भी कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा, जैसे शादी होता है, विवाह होता है, सब कुछ होता है, तो वो उसको लगता है कि मैं सेंटर में रहूं बिल्कुल। यदि उसको नहीं लेंगे तो बिल्कुल आपके यहाँ कलह मचा देगा घर पे। तो ये जो सेंट्रल वाले लोग होते हैं ना, यदि आपके अंदर भी वो भरा हुआ है व्यक्ति, ये बहुत बड़ी संख्या में ये लोग तादाद में, तो ये लोग क्या होता है कि बहुत सेकेंडों में इसको फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है। मेरे एक दो मित्र हैं, यदि उनको परेशान करना हो तो मैं बहुत ईजिली परेशान कर देता हूँ, उनको ध्यान ही ना दो, आए बगल से निकल जाओ, देखो ही नहीं उनको। उनको लगता है मुझे नहीं मुड़ के देखा है ना, मुझसे बात नहीं किया, मुझसे ये नहीं किया, इग्नोर कर दो। एक बार थोड़ा सा ग्रुप बना के बोल दो इग्नोर कर दो इसको, 5 मिनट 10 मिनट बाद उसको लगेगा कहाँ बैठा हूँ मैं, किनके बीच में बैठा हूँ, परेशान हो जाएगा। तो ऐसे लोग क्या हो रहे हैं ना, आप यदि सोच रहे हो कि दूसरे आपको ये कर देंगे, दूसरे आपको वो कर देंगे, दूसरों से आपको, ये सब व्यर्थ की चीज़ें, कुछ नहीं होता है, ये सब बचपना है, आपका बचकानापन दिखता है कि आप कितने बचकानी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको हमेशा दूसरों से रेस्पेक्ट चाहिए ही, यदि नहीं मिला अब वो तो दूसरे के हाथ की बात है ना, दिया तो दिया नहीं दिया तो खत्म। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग की व्यर्थ की चीज़ें हैं, बिल्कुल व्यर्थ की चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। इसलिए मैं आपको बहुत सही सलाह ये देता हूँ कि आप अपने आप में अपने जो सपने आप लेके चलें ये सपने पूरे हों, ऐसा ना हो कि गलत एग्जाम्पल बन के बैठ जाएं। जिस दिशा के लिए निकले हैं, अब जैसे मान लीजिए कल त्यौहार था, त्यौहार में कुछ लोगों के साथ यही दिक्कत है, उनको फ़ोन ना करो या वो किसी को फ़ोन ना करें। एक ये भी बहुत बड़ी मानसिकता होती है कि मेरे को फ़ोन नहीं आया, उसी ले उस चीज़ को लेकर के इशू बना दिया जाता है। तो मुद्दे बहुत सारे होते हैं, इतने मुद्दे होते हैं घरों में, तो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, उन लड़ाइयों को देख लो तो डर लग जाता है कि यार कैसे लोग हैं ये, इनको सुख पसंद ही नहीं है, ये तो बिल्कुल हमेशा ज़िंदगी भर बेचैन ही रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए और ऐसा व्यक्ति बनना भी नहीं चाहिए। आपको जीवन में आपके लक्ष्य बड़े हैं, उद्देश्य बड़ा है, तो अपने लक्ष्य और उद्देश्य को इतना सीमित मत कर दो कि आपका लाइफ जो है कुछ चंद लोगों के कारण ही रेगुलेट हो, चंद लोगों में ही आपकी ज़िंदगी छुपी हो, है ना। चंद लोगों से कुछ नहीं होगा, आपको तो दायरा अपना ऐसा बनाना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से इंस्पायर हों, प्रभावित हों, बहुत सारे लोगों की लाइफ को आप डायरेक्ट कर सको, रेगुलेट कर सको, उनकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव ला सको, ऐसी सोच करके आपको रखना चाहिए। आप तो दूसरों को खुश देखने वाले व्यक्ति होने चाहिए, दूसरा खुशी हो आप खुशी हो, आप उसके खुश से दुखी हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, आपको ज़िंदगी भर कभी भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए कुछ चीज़ों का ना पूर्णतया त्याग कर दो, ख़त्म कर दो, कभी भी फोकस में रहने वाली आदत को ख़त्म कर देना चाहिए। आप क्यों फोकस में रहना चाहते हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। समारोह हो, उत्सव हो, सबसे साइड में खड़े होने वाले व्यक्ति आप ही होने चाहिए। हाँ, चार लोग ऐसा बना दो अपने आप को कि चार लोग खींच के ले जा रहे, वो कहाँ है, ढूंढे लोग, तू बनती है बात, नहीं आप आगे आगे हो रहे हो, पूछ कोई नहीं रहा और दुखी हुए पड़े हो कि मुझसे कोई नहीं पूछ रहा, ये नहीं, ये सब क्या है, ये दिखता है, ये बचकर देख के, अरे ये तो ये ऐसे ही है, फिर कोई पूछता भी नहीं आपका। वो मार्केट में मैंने एक रूल बताया ना इकोनॉमी का, डिमांड एंड सप्लाई का, कि आपने क्या कर दिया, अपनी सप्लाई ज़्यादा कर दी, हर जगह सप्लाई, हर 2 मिनट में कुछ काम है, कुछ काम है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, वो कहेगा जाओ यार कि अपनी दिक्कत सही करो, है ना। अपनी डिमांड, अपनी सप्लाई इतनी ज़्यादा मत कर दो कि आपकी डिमांड जो है मार्केट में बिल्कुल कम हो जाए, लोग फिर डिमांड ही ना करें, ख़त्म कर दें आपको, आपका भाव गिर जाए, आपका रेट गिर जाए, लोग भाव ही ना दें आपको, बोले ये तो उपलब्ध है 24 घंटे, फिर आपका यूज़ करना चालू कर देते, फिर आप इसी से फ्रस्ट्रेट होना चालू हो जाते हो। अपना मोल बना के रखिए, ये मोल तभी बना के रखेंगे जब अपनी सप्लाई लिमिटेड रखेंगे, और सप्लाई लिमिटेड तब होगी जब आपको फोकस में रहने की आदत ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब होगा, अपने नज़रिए से मतलब होगा, अपने आप में ही खुशी ढेरना शुरू करोगे तब चीज़ें हो पाएंगी, और नहीं तो मरते रहो, ज़िंदगी का नाम ही उदासी बना दोगे आप तो।
आपको लगेगा बड़ा दुख है, जो भी मिलेगा उसको भी समझाओगे कि अरे बड़ा दुख है दुनिया में, पूछो मत, मुझसे पूछो कि दुख ही दुख है, मैं किस तरह से बस जी रहा हूँ इस दुनिया को। तो ये वाली कंडीशंस आपको ख़त्म करनी चाहिए और अपने लाइफ में एक खतरनाक ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। 17 साल के बच्चे को कभी भी मरने दो, ये लाइफ का सबसे एक्साइटेड मोड होता है। जैसे ही आपके साथ प्रॉब्लम आए इसको फिर पैदा कर दो, क्योंकि इस बच्चे को किसी की चाह नहीं होती, ये सिर्फ सपने देखता है और भागता है। तो आपको मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो सपने देख रहे हो ना, वो सिर्फ सपने बना के मत छोड़ देना, उन पे काम करो, अभी से इनपुट दो, इतना इनपुट दे दो जो भी आज तक नहीं किया। समय सबको नहीं मिलता, देखो बहुत सौभाग्यशाली वो बच्चे होते हैं जिनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मौका मिलता है। सौभाग्यशाली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही मात्र एकमात्र एग्जाम बनाया गया, डिजाइन किया गया इंडिया में, जो ह्यूमन वैल्यूज देता है, जो समाज के बारे में जानकारी देता है, जो आपको कुछ भी नहीं बचाता सोशलाइजेशन से। सिर्फ ये आपको सिर्फ मशीन नहीं बना रहा, आपको किताब नहीं बना रहा, आपके ब्रेन में सिर्फ ये फैक्ट नहीं भर रहा, ये आपको बहुत कुछ सोचने का मौका दे रहा है। तो इसलिए इस एग्जाम की यदि तैयारी करने निकले हैं तो महज एक किताब बन के मत रह जाइएगा, ठीक है, कि किताब के आंकड़ों में, डेटा में, इन सब चीज़ों में खो जाएगा। अपनी खुद की भी एक ज़िंदगी है, अपनी खुद की भी एक पहचान है, उस पहचान को इतनी मजबूत बना के रखनी है कि बस अपनी पहचान तक हम सीमित रहें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूछता है तो सही, नहीं पूछता सो सही, हम हर कंडीशन में हर परिस्थिति में खुश रहने वाले व्यक्ति बने तो ठीक है, और नहीं तो ज़िंदगी में बहुत दुख है। दुख नहीं भी होगा तो आप पैदा करते रहोगे, आप मशीन बन जाओगे दुख का प्रोडक्शन करने वाली, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आप खुद दुखी रहोगे, चार आदमी जो मिला उसे भी दुख बांट दोगे क्योंकि आप तो मशीन बन चुके हो, है ना। तो इसलिए मैं आपको बहुत सही सलाह दे रहा हूँ कि लाइफ में अपनी ज़रूरतों को, अपने फोकस को, सेंटर में रहने की आदत को ख़त्म करिए और मेहनत करिए जिस चीज़ के लिए आप निकले हैं। घर वाले यदि फ़ोन नहीं करते सबसे खुशी की बात है आपके लिए, लेकिन नहीं, उससे भी शायद दुख दर्द होता हो कि मुझे कोई फ़ोन ही नहीं करता, मेरे को तो कोई ध्यान भी नहीं देता, क्लास में जाता हूँ तो मुझे कोई फोकस नहीं करता। अरे एक बहुत अच्छी बात है, क्यों लाइमलाइट में रहना, क्यों फोकस में रहना, क्यों टेंशन में रहना, 50 चीज़ों में हर जगह उनको फोकस चाहिए, और हर जगह तो नहीं मिलेगा, 100% लिख लो। फिर फोकस में आने के लिए दुनिया भर के कर्तव्य करते हैं, कर्तव्यों में फंस जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये हैबिट रखो अपने अंदर, बस एक बताए ना, हीरा जो होता है, हीरा को चाहे शोरूम में रख दो, हीरा को चाहे शोरूम में रख दो, चाहे कूड़ेदान में फेंक दो, लेकिन हीरा की वैल्यू हीरा ही होती, वो हीरा ही रहेगा। आपको लग रहा हो कि ये जो अब बहुत लोग हैं जो गरीब परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन यदि वो हीरा की वैल्यू रखते हैं ना तो हीरा ही हैं, चाहे अमीर खानदान में पैदा हो चाहे गरीब खानदान में पैदा हो। अब कितने हैं जो अमीर खानदान में पैदा होकर के हीरा बन गए, है ना, बहुत गिनी चुनी संख्या में आएंगे। लेकिन जो जमीन से उठा है ना, मैं हमेशा एक चीज का जिक्र करता हूँ, रेंज का, है ना, जो बच्चा बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से उभरा और उठने के बाद वो अमेरिका के नासा में जाके काम कर रहा है उसका रेंज देख लो, जो बच्चा एक साइंटिस्ट के घर में पैदा हुआ और इसरो में काम कर रहा है उसका रेंज देख लो, है ना। यदि आपको रेंज, आपको ईश्वर ने मौका दिया एक बड़ा रेंज क्रिएट करने का, तो इस मौके को मत त्यागो। कल के दिन जब आपकी स्टोरी दुनिया में सुनाई जाएगी, बताई जाएगी कि देखिए इसने कितना बड़ा रेंज तय किया इस बच्चे ने, तो रेंज आप ही बनाओगे। अभी ये Super 30 आप लोगों ने मूवी देखी, उसमें कैसे कैसे बच्चे हैं, किस किस पृष्ठभूमि के बच्चे हैं और निकाल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कोई नासा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कर रहा है ना। और देखो उनका परास कहां से निकले, एक बच्चा है जो कूड़ेदान से रोटियां निकाल के खाता था, आज IIT में बैठा हुआ है, IIT के थ्रू वहां पहुंच गया, रेंज देखो उसका। एक बच्चा था जिसके फादर मर्सिडीज कार में उसको भेजते थे, आज वो कहां बैठा, वो भी IIT में बैठा, लेकिन उसका रेंज क्या है। तो रेंज आपको बढ़ाने का मौका मिला है, ईश्वर ने इतना बड़ा मौका दिया आपको कि जो किसी और को नहीं मिल सकता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का रेंज देख लो, क्या रेंज है उनका, वो रेंज मिलेगा किसी को, है ना। एक चाय वाला व्यक्ति विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन के बैठा हुआ है, विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति, यूथ आइकॉन बन गए इतनी उम्र में, ऊर्जा देखे उनका काम करने का, तो ये क्या रेंज देखे उनका। दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स थे बहुत सारे, डॉक्टर कलाम थे, अखबार बेचने वाला बच्चा, उसका रेंज देखिए कितना बड़ा रेंज है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साइंटिस्ट, वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट में एक नाम उनका गिना जाता, क्यों रेंज उनकी, कितना बड़ा रेंज उन्होंने कवर किया। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो बड़े खानदानों में, बड़े परिवारों में पैदा हुए, आज पड़े हुए। तो रेंज बहुत कम लोगों को इतिहास में लिखने को मौका मिलता, कम ही लोग मिलते हैं, और ईश्वर ने यदि आपको दिया है मौका तो करिए।
गरीब आप पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती है क्या? आपके फादर की गलती है, उन्होंने आपको गरीबी में जन्म दिया। फादर को चाहिए था कि पहले पूरा सेटलमेंट करते, 10-15 करोड़ कमाते, फिर आपको पैदा करते, तब तक हो सकता है फादर निपट जाते, आप धरती में आते भी नहीं। तो फादर ने तो बिल्कुल सही टाइम पे पूरा प्रोडक्ट निकाला है आपका, तो जो प्रोडक्ट आया सही टाइम पे, उस प्रोडक्ट का अब यूज क्यों नहीं कर रहे हो आप? उसको क्यों आप कमजोरी बना के बैठे हुए हो? ठीक है, ये एक सही मौका इतिहास अपना खुद का लिखने का। आप दुनिया को मत दिखाइए कि आप क्या इतिहास, क्या हिस्ट्री क्रिएट करोगे या कुछ करोगे, आप अपने काम पे फोकस करिए। इतिहास तो अपने आप लिखता है, लिखता जाता है। 25 साल का आपका इतिहास लिखा जा चुका है, जिसमें अपना रेंज देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक गए आप। ठीक है, आने वाला जो इतिहास है अब आपके सामने है, आपको लिखना है। अब क्या लिखते हो आपको पता, आपके हाथ में कलम दे दी गई है कि लिखिए क्या लिखना चाहते हो, लेकिन अब उस कलम को ले करके सो जाइए, उसे एक पेन भी मत चलाइए, तो क्या अब लिखा जाएगा? जीरो लिख के आएगा, फिर कहेगा ब्लैंक पेज है इसके इतिहास में, हिस्ट्री में। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? मुद्दा इस बात का है, तो यदि आप ब्लैंक पेज ही रखना चाहते हो तो रखो। मेहनत करना चाहते हो, अपने स्वप्नों को साकार करना चाहते हो, जो स्वप्न आपने देखे है ना, सिर्फ एक स्वप्न थोड़ा ना आदमी देखता है, ज़िंदगी में हजारों स्वप्न होते हैं। जब एक पूरा होता है तो दूसरा पैदा हो जाता है, दूसरा पैदा होता है तो तीसरा आ जाता है। ठीक है, तो ये तो स्वप्नों का एक सिलसिला है। हम आज यहाँ पे हैं तो कल वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे हैं तो वहाँ पे जाएंगे, है ना। आज ज़िंदगी में अभाव नहीं होते तो हम क्या फील करते? महात्मा बुद्ध के जीवन से अभाव खत्म हो गए, वो सन्यासी हो, उन्होंने कहा कि अब क्या करूं? तो बोले कि अब मैं सत्य की खोज करूंगा। तो अभाव बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, यदि अभाव नहीं हो तो आप करोगे क्या, ये भी तो बताओ। यदि आपको इतिहास पूरा आता तो पढ़ते क्या? पॉलिटी पूरा आता तो पढ़ते, उस टाइम पे फिर करते क्या? नहीं आता तभी तो आप पढ़ रहे हो, तभी तो उस टाइम का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो चीज़ें नहीं है तभी तो आप उस चीज़, आज पैसा होता तो क्या करते? ज़्यादा पैसा कमाते, और पैसा होता तो और लगाते, है ना। तो ज़िंदगी में अभाव आपको बहुत कुछ देते हैं, अभाव से डरना नहीं चाहिए। मुझे तो कभी कभी गीता समझ में नहीं आती, गीता में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। एक है ना, जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में, दुख में, सुख में, समभाव में रहे, वही स्थित प्रज्ञ है। तो मुझे नहीं समझ में आता, है ना। यदि पराजय है तो फिर उसका इमोशन अलग होना चाहिए, जय है जीता तो उसका इमोशन अलग होना चाहिए, सबके इमोशंस अलग अलग होने चाहिए, सबका इमोशंस एक जैसा नहीं हो सकता। खट्टे का स्वाद खट्टा होता है, मीठे का स्वाद मीठा ही होता है। अब कोई कहे खट्टा मीठा सब स्वाद एक, ठीक है, अब उसकी अलग तरीके से हम परिभाषा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग तरीके से कि आप हर कंडीशन में अपने बिहेव को चेंज ना करिए, सब तरह ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा उन्मादी मत बन जाइए, लेकिन इमोशंस है, आपको तो निकालना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि मौका मिला है तो इस मौके को भुनाइएगा, नहीं तो मौका सबको नहीं मिलता। बस मुद्दा इस बात का है, मौका बहुत कम समय, कुछ समय बाद आपकी एनर्जी जीरो हो जानी है, फिर यही हो जाएगा कि आप भी एक गलत एग्जाम्पल बन के रह जाओगे अपने खुद के लिए। मैं नहीं कह रहा समाज के लिए, समाज क्या एग्जाम्पल है, समाज क्या एग्जाम्पल देगा, ठीक है, सोसाइटी का काम ही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सिर्फ अपने आप से मतलब रखना है, अपनी जंग अपने तक सीमित, हमें किसी भी दौड़ में शामिल नहीं होना है। मेरी लड़ाई मुझसे है, आज मैं यदि यहाँ हूँ तो मुझे आज वहाँ भागना है। यदि आप इतने हैं ना तो आपको अब इतने की रेखा खींचनी है, यदि इतने हैं तो फिर इतने की रेखा खींचनी है, खुद से लड़ना है। दूसरों को देख के क्या लड़ोगे आप? कुछ नहीं लड़ोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे और कचरा भरना चालू कर दोगे अपने दिमाग में। तो अपनी जंग अपने तक सीमित रखो और इतनी मेहनत करो, अपना इतिहास इतना जबरदस्त लिखो कि लोगों को लगे कि हाँ ये भी हो सकता है। अभी एक मूवी आई हुई है मंगल मिशन, आप लोग देखने जरूर जाइएगा। भारत ने, भारत जैसा देश जिसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसरो के पास GSLV भी हमारे पास नहीं था, है ना, मंगल में किस कंडीशन में हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेस मिशन को किस तरीके से उसको ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया कि पहले ही अटेम्प्ट में मिनिमम, है ना, मिनिमम कॉस्ट में सक्सेसफुल 100%। ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और ये वो बिरले लोग ही कहते हैं। और जब वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो बोलते हैं कॉपी करें अब दुनिया इसको, कॉपी करिए आप लोग अब। तो जब आप अपने देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है कि लोग पहली बार करते हैं, हो सकता है 50 चीज़ें हो जो आप पहली बार करें, फिर दुनिया आपको कॉपी करे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं, आपके अपने तरीके होते हैं, अपने मेथड होते हैं, और सबका मेरे हिसाब से अपना मेथड अपना तरीका ही होता है। तो दुनिया को कॉपी मत करिए, अपने आप पे जिए, मेहनत करिए,
ताकि दुनिया आपको कॉपी कर सके, कुछ ऐसा करके जाइए। ये दुनिया ज़िंदगी बहुत लंबे समय के लिए नहीं मिली हमें, बहुत लंबा समय नहीं, देखो सबको निपटना है, कितने लोग आए निपट गए, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सतत योगी बन के आए हैं कि ज़िंदगी भर जीते ही रहेंगे, जिंदा ही रहेंगे, जवानी सब दिन रहेगी, ये इसमें भी आप भयभीत रहिए, आप 40 साल 45 साल बाद आपकी उम्र ढहने वाली है, इसलिए बहुत कम टाइम है हमारे पास, 15 से 20 साल की अवधि मिलती है जिसमें हम ऊर्जान्वित होकर काम कर सकते हैं। और दिक्कत ये हो गई कि इसी 15 से 20 साल की अवधि में स्टूडेंट जो छात्र जीवन है सबसे निराशा में बनता चला जा रहा है, इसलिए इसमें इतनी मेहनत करिए, इतना इनपुट दीजिए, इतना इनपुट दीजिए कि जब लौट के देखें तो अपना इतिहास बता सके, आप लोगों को इंस्पायर कर सके अपनी हिस्ट्री से, लोग आपका इतिहास बताएं कि एक बच्चा ऐसा भी था। तो ये बहुत ज़रूरी है, यदि नहीं करके गए, अब देखो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भगत सिंह ने नहीं जी, 21 साल जवानी में कदम रखा ही था, लेकिन उसने ऐसा इतिहास बना दिया कि बंदा आज नाम सुमार हो गया। नहीं, उसको भी लगता कि शादी कर लेते हैं, है ना, शादी करने के बाद आराम से बीवी बच्चे होंगे, आनंद करेंगे, क्यों निपटता, क्यों करता कुछ भी, क्यों सोचता, क्यों रात दिन जो है भटकता रहता घर परिवार से दूर हर जगह से। तो ये कुछ बिरले लोग ही होते हैं, और उस बिरले लोगों में सभी सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग सम्मिलित हो सकते हैं। अभी सोच और डायमेंशंस की चीज़ें होती हैं कि आपका दायरा कहाँ तक है, यदि आपका दायरा बड़ा है तो आप बड़ा कर जाओगे, नहीं ज़िंदगी भर बस वही भटकन में भटकते रहोगे। परिवार की चार बातें सुनाई देंगी कि यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, ये सबसे दूर हटो, ऊपर उठो, और फिर देखो लाइफ का एक अलग इन्जॉयमेंट है, अपने साथ जीने का, अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने का अपना इन्जॉयमेंट है, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है मेरी, ऐसा बना के रखो, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं किसी से, अपनी रैंक को इम्प्रूवमेंट करना है बस, मेरा इतना ही काम है, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े करेंगे। आज यदि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ तो मुझे कल अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट करनी, अपनी हैबिट अपनी ऐसी क्रिएट करनी कल मैं 10 के लिए भी बैठूँ तो अच्छे से हो सके। ये नहीं कि फिर अरे 4 दिन बाद थक गए, अरे क्या थक गए, है ना, अभी टाइम मिला है, अभी उम्र मिली है, जब ये ढह जाएगी तब करोगे। सोच रहे हैं बहुत लोगों से बैठो बात करो, 40 साल बाद कहते हैं काश मुझे फिर से एक बार वो टाइम मिल जाता। अरे मैं उनसे कहता हूँ 40 के बाद सही कर लो, अभी क्या बिगड़ गया, अभी भी तो 20-25 साल है, 40 साल के बाद भी आप इनपुट दे सकते हो बहुत अच्छा। बीमार लोग पड़े हुए हैं, जाओ कभी हॉस्पिटल्स में, 20 साल 25 साल के लोग ऐसे ऐसे रोग हो गए, उनसे बात करो तो कहते भगवान स्वस्थ कर दे, मैं बहुत अच्छी लाइफ जीऊँगा, बहुत मेहनत करूँगा। स्वास्थ्य खो चुके हैं जो लोग, उनसे बात करिए, उनको पता चलेगा। तो हमारे पास तो सब कुछ दिया ईश्वर ने, हाथ दिए, पैर दिए, अच्छे से आँख कान है, देखने में सुंदर लग रहे हैं। अब जो सांवला है उसको चाहिए गोरा हो जाऊँ बिल्कुल, उसको ये टेंशन है। जिसके आँख नहीं है उसको लगता है ईश्वर बस रोशनी दे दे बाकी खूब काला बना दे, उससे पूछो। दरअसल क्या है, जो चीज़ हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हमें दूसरों की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, हमें लगता है अरे ये ज़्यादा आकर्षित करती हैं, होता नहीं इनसे, सब कुछ व्यर्थ की चीज़ें हैं। तो मैं आपको बस यही सुझाव दूंगा कि दुनिया के जितनी भी प्रपंच हैं उनसे हट करके सिर्फ अपने आप में सेंट्रलाइज हो जाओ, सेंटर में रहना बंद कर दो, अपने सेंटर में खुद रहो, अपनी नज़रों में आपका सेंटर सबसे ऊपर होना चाहिए, है ना। आप अपने नज़रों से नज़रें मिलाने की हिम्मत रखते नहीं हो और दुनिया के सेंटर में रहना चाहते हो, कितनी बड़ी विडंबना है। ये हाईलाइट वाईलाइट कुछ नहीं होता है, सब फर्जी बातें हैं, कोई नेम फेम कुछ नहीं, नेम क्या, एक मिनट की चीज़ है, आज है एक सेकंड बाद चला जाएगा, विजय माल्या को देख लो, एक सेकंड बाद वही जो भारत की धरती है जिसने उसको इतना प्यार दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, एक सेकंड बाद उसको लोगों को अभी मिल जाए तो निपटा दें, ठीक है। ऐसे कितनी बड़ी संख्या है, राम रहीम को देख लो, लोग पूछते थे, कल उसका बर्थडे था 15 अगस्त को, तो ये लोग क्या था, लोग पूछते थे, मैसेंजर ऑफ गॉड मानते थे, ईश्वर को संतान मानते, ये सब लोग ऐसे लोग थे, अचानक से एक सेकंड बाद लोगों को मिल जाए तो खा जाए लोग। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, आज आपका नाम है एक सेकंड में बदनाम भी हो सकता है नाम, इसलिए ज्यादा हाईलाइटेड रहने की कोशिश मत रखो, नाम बदनाम होने में एक सेकंड लगता है। मीटू कैंपेन में कितने निपट गए, ये सही बात है, इस मुद्दे को समझो, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तो आप नेम टेम्परेरी चीज है, फेम टेम्परेरी चीज है, मनी टेम्परेरी चीज है, एक सेकंड मनी को खत्म होने में लगता है, मनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सतत क्या रहेगा, आपका स्वास्थ्य, यदि आप स्वास्थ्य बना के रखेंगे तो यही आपका सब कुछ है, आपका सम्मान यदि इसे सतत बना के रखेंगे तो, सम्मान खुद की नज़रों में, वो गिरा ना जिस दिन अपनी नज़रों में आप गिरे हो, बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं अपनी बैड हैबिट्स के कारण से, लोग गिरते हैं,
डेली अपने आप से झूठ बोलने के कांड गिरते हैं, तो वहां ऊपर उठना है ना कि मेरे सामने मैं आपकी चार बड़ाई कर दूंगा, मैं तो झूठी बड़ाई करूंगा आपकी। मेरे पास 10 मिनट के लिए बैठे, मैं आपकी बड़ाई कर दिया, अरे वाह क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुपर। आदमी आज के समय में किस मुखौटे में बात कर रहा है आपको क्या पता, पीठ पीछे उसका क्या मुखौटा क्या पता, तो आप क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ रहे हो। आपको अपने आप से मतलब रखना है बस। यदि इतना सीख गए तो निश्चित तौर पे कभी आप असफल नहीं होगे। जिंदगी के जिस दौर पे भी जाओगे जीवन में खुशहाल रहोगे। कभी भी कभी गंभीर से गंभीर संकट आ जाएगा तो भी टेंशन नहीं होगा, लगता है लगेगा जीत जाऊंगा, क्यों, मैं मेरे साथ हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दरअसल है क्या कि आपका अपना साथ ही छूट गया है, आप दूसरों के सहारे बैठे हुए हो, और जब दूसरे के सहारे जो व्यक्ति रहता है उसका जीवन में कोई साथी नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अपने जीवन में, आमतौर पे इन चीज़ों का आपको अभाव रहता है, और यदि ये चीज़ें अपने जीवन में लाओगे तो निश्चित तौर पे जो भी सपना देखोगे वो बहुत आसानी से पूरा होगा। सपना कितनी बड़ी चीज़ है, और आपका सपना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कितने लोग उसको जी रहे हैं, कितने लोग उसे जी रहे हैं, उनसे जाके पूछो तो कहेंगे मेरा ये सपना नहीं है, वो दूसरा है, वो दूसरा बताएगा। जो आप जो सपना देख रहे हो आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ी तोप चीज़ है, कुछ तोप नहीं है, क्योंकि आप जैसे लाखों लोग जी रहे हैं उस सपने को, तो कहाँ की तोप चीज़ हो गई। आप विश्व का कोई अनोखा सपना थोड़ा ना लेके पैदा हुए हो। सोचिए जो भी शेयर करेंगे 500 लोग आपको मिल जाएंगे उसी फील्ड से, जो काम कर रहे होंगे मज़े के साथ या कुछ दुखी के साथ, उसी सपने में कुछ इन्जॉय कर रहे होंगे कुछ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सपना अंतिम सपना हो सकता है, सपने बदलते रहते हैं। मुद्दा है अपने आप को ऐसा डिजाइन कर लो कि जो भी परिस्थिति जो भी कंडीशन आए आप उसमें अल्टीमेट हो, सुप्रीम पावर बन के निकलो, तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होना। लाइफ क्या है ना, बहुत आसानी से कटती चली जाती है ना। लाइफ को काटिए मत, जिए, जीने के लिए लाइफ है। किसी से पूछो, मुझे तो कभी कभी बड़ी गुस्सा लगती है, निराशाजनक दृष्टिकोण, ये जो क्या चल रहा है वह कट रही है। ये सेंटेंस जब मैं सुनता हूँ ना तो मैं समझ जाता हूँ निगेटिव थिंकिंग का पर्सन है ना। जीने वाली लाइफ किसी की बची नहीं, सब काट रहे हैं किसी तरीके से। अरे टाइम पास कर रहे हैं, अरे टाइम पास कर रहा हूँ, इतना टाइम है तुम्हारे पास टाइम पास करने का, ऐसे लोगों से दूर हट जाओ, ये लोग खुद भी परेशान हैं और आपको भी परेशान कर देंगे। इनकी वाइब्रेशंस जो है ना अच्छी नहीं है, इनका ऑरा अच्छा नहीं है, पॉजिटिव ऑरा होता तो क्यों ये कुछ करते, ये आपको दुखों से भर देंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों ना ऐसा लोग बनिए, ना ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए। ऐसा बनिए जिनके पास ऊर्जा हो, जो कभी ना ना बोलें, पॉजिटिव रहें, हर काम को पॉसिबिलिटी के साथ देखें। आप भी ऐसा बनिए और दूसरों ऐसे दोस्तों के साथ रहिए भी जो हर चीज़ पे पॉसिबिलिटी देखें, होगा होगा कैसे नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ें, हर चीज़ पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है। जो आपको इम्पॉसिबल लग रही हो 500 लोग वो काम कर चुके हैं, इसलिए वो इम्पॉसिबल नहीं है। लोगों के पास पैर भी नहीं थे तो एवरेस्ट चढ़ के चले आए, आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, है ना। तो लोग ऐसे भी पड़े हुए हैं। तो मुद्दा ये बात का है कि कम से कम अपने जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप दिमाग में कचड़े के तौर पे रखते हो, कूड़ादान जो बना रखा है दिमाग को, उस कूड़ेदान को निकाल फेंको, ख़त्म कर दो। बैठो, विचार मंथन करो और पूरा का पूरा कूड़ादान उठाओ और उठा के बाहर रख दो, बस। अब कूड़ादान दोबारा मत बना लेना वहाँ पे। लोग क्या कर रहे हैं, कूड़ा लेके आ रहे हैं, डाल जा रहे हैं, सड़ रही है वो जगह, उठाने वाला कोई नहीं है, वो कंडीशन क्रिएट कर दिया आपने। उठाना भी आप ही को है, तो एक बार उठाओ सारा का सारा कूड़ा और उसको शिफ्ट कर दो कहीं आओ, बस। इसका सुकून से जियो, गंदगी ख़त्म, बदबू ख़त्म, निराशा ख़त्म। अब आशाएं आपके, अब वहाँ पे स्वच्छता रहेगी तो दिमाग शांत, आशाओं से भरा हुआ पूरी तरीके से, है ना। वो दूसरे की फिक्र करना छोड़ दो, बस इतना सीख लो। यदि ये सीख गए तो आपके पास वो 17 साल का बच्चा कभी भी मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। उसके पास यही चीज़ थी। बचपन में बच्चे को किस चीज़ का डर होता है, बचपन में सांप आ जाए तो पकड़ लेता है एक सेकंड में, क्यों, कभी किसी ने बताया नहीं कि ये गलत चीज़ है, उसने पहली बार देखा लाइफ में तो उसने पकड़ लिया। हमको 500 लोग बता चुके हैं भागो भागो भागो, खा लेगा काट लेगा, हमने 500 लोगों को देखा भी काटते हुए कि काट लेता है, यदि नहीं देखा होता तो हम पकड़ लेते। हमें लोगों ने डरावनी चीज़ बता दी उसे, क्या रे बड़ा डरावनी चीज़ होती है, तो लोगों ने बताया ना। आपका हो सकता है किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस अभी ना हो सांप पकड़ने का, लेकिन लोगों ने आपको बता रखा है तो आप उस चीज़ को भयानक मानते हो, है ना। तो ये मुद्दा है कि लोगों ने आपके अंदर भ्रम बैठा रखा है। अभी UPSC और PCS को लेकर भी सेम कंडीशन है, भ्रम बैठा हुआ है बच्चों के अंदर
हिंदी मीडियम वालों के अंदर भी वही भर भर, ये एक षड्यंत्र है हिंदी मीडियम वालों के साथ। जब भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का भ्रम आने वाली पीढ़ी को फिर भर दिया जाता है कि नहीं कर सकते तुम लोग, नहीं हो सकता है, गिरेगा तुम्हारा। निकाले तो हैं, जो निकालते हैं उनकी बात नहीं करते, जो नहीं निकालते उनकी बात होती है, और कभी उसका कंप्लीट एनालिसिस नहीं दिया जाता है। अब चूंकि हम लोग इतना उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता है, दुष्प्रचार नहीं किया जा सकता है ना। एक दुष्प्रचार में कर दिया जाए यदि ये बड़े स्तर का कि हिंदी मीडियम वाले कभी हो ही नहीं सकते हैं, और सभी लोग आप लोग ये मान के बैठ लो तो ज़िंदगी में तो कभी कुछ नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने नहीं माना वो निकाल रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, हो रहा है, बढ़िया रैंक लेकर आ रहे हैं। तो दुष्प्रचार भी हैं बड़े स्तर के, आप इसको भी समझिए, और दुष्प्रचार आपके दिमागों में भर दिए गए हैं। इसलिए कुछ मत करो, 4 घंटे 5 घंटे अपने आप से मुलाकात करो, और अपने दिमाग की सारी गंदगी, जैसी भी गंदगी हो, पूरा का पूरा कूड़ादान निकालो, और आगे से प्रतिज्ञा करोगे कि आप अपने दिमाग को कूड़ादान नहीं बनाएंगे, ऐसे विचारों को अपने अंदर नहीं भरेंगे जो विचार हमें नीचे की ओर ले जाएंगे। बस एक बार कर लो ये सफाई, इसके बाद सजग रहो, एक चौकीदार लगा दो वहां पे, दिमाग को अलर्ट कर दो कि जैसे ही कोई कूड़ा डालने आएगा उसे लड़ना नहीं है, जो कूड़ा डालने आए आपके दिमाग में आए, है ना, उसको गंभीरता से सुनना है, सुनने के बाद कहना है अरे फेंक रहा है, बस इतना ही कह दो, अरे बेकार की बात है सब टाइम, तो दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन यदि आप, है ना, उस चीज़ को महत्व देने लग जाएंगे, चीज़ें करने लग जाएंगे, तो मुझे एक मिनट में आपको डिमोटिवेट करने में लगेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को समझो, अपनी क्षमताओं को समझो, और उस हिसाब से काम करो तो बेहतर है, नहीं तो कुछ नहीं रखा। आप समय के साथ कोई भी आएगा और आपके लाइफ में नियंत्रण पालेगा। एक चीज़ और मैं समाप्त करते हुए कहता हूँ, कभी भी फोटोकॉपी मत बनो, ओरिजिनल बनो। फोटोकॉपी समझते हैं ना, लक्ष्मीकांत की बुक लिया फोटोकॉपी करा ले, है ना, ओरिजिनल बनो आप खुद। देखो आप क्या करते हो ना, बहुत सारे आइडल, आप दुनिया से खूब सीखो, प्रेरणाएं लो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे प्रेरणाएं लेनी चाहिए, लेकिन आप सोचो कि हुबहू उसकी नकल बन जाओ तो आप तो रहे ही ना, आपका तो ओरिजिनलिटी आपने ख़त्म कर दी ना, उसकी नकल में ही ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी अपनी। क्यों किसी की नकल बनना चाहते हो भाई, यू आर अ यूनिक पर्सन, आप अद्वितीय हो, आप जैसा कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ है। तो अपनी ओरिजिनलिटी को ना ख़त्म करो, उसे समाप्त मत कर दो। फोटोकॉपी बनने के कारण आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, और फिर अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो हमें फोटोकॉपी नहीं बनना है, ये भी दिमाग में बैठा लो। मुझे किसी को फॉलो नहीं करना है, मुझे लोगों से प्रेरणाएं लेनी है, ठीक है, लेकिन मेरा अपना नज़रिया होगा ज़िंदगी जीने का। लोग मुझे फॉलो करें अलग बात है, लेकिन मैं किसी को फोटोकॉपी नहीं बनूंगा, ओरिजिनल प्रति बन के रहूंगा। ओरिजिनल बनो, ये भी दूसरा मुद्दा है। यदि ये 2-3 चीज़ें आप अपने लाइफ में उतार लो ना, तो आपके दुख ख़त्म हो जाएं, जो दुख आपने पैदा कर रखे हैं। दरअसल 90% बच्चे तो फोटोकॉपी बनना चाहते हैं, माता पिता बनाना चाहते हैं। होता क्या है, कंपेयर किया जाता है, देख पड़ोसी का बच्चा 5 बजे उठता है, तू क्यों नहीं उठता। माँ बाप इस बात को नहीं समझते कि अपने बच्चे में क्या गंदगी भर रहे हैं वो लोग, वो क्यों समझें, क्योंकि उनको ही माता पिता ने भी यही किया है, वो भी नहीं टाइम से उठते थे, तो अपने बच्चे के साथ भी यही कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं। छोटा सा बच्चा कोई टीवी में म्यूजिक गा रहा होगा तो बुलाएंगे, देख इधर देख तू क्या है वो क्या है, अरे वो जो है उसका भी तो देखो कि वो जैसा है वैसा है क्या वो बच्चा, कितना पता। 2 मिनट आपने टीवी में देख लिया उसको तो आपको लग गया कि नहीं नहीं वो है, और अपनी शक्ल को भी देखो कि आप कैसे हो, क्योंकि आप इसके टीचर हो, प्राइमरी टीचर हो, लेकिन नहीं, ये कंडीशनिंग जो होती है ना, ये क्रिएट की जाती है हमारी सोसाइटी के द्वारा, और उस कंडीशनिंग में हम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और आपके सपने जो पैदा आप करके रहते हैं वो धीरे धीरे मर जाते हैं। तो फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल प्रति बनो, अपनी खुद की प्रति, जिसकी फोटोकॉपी लोग कराना चाहें, पहली बात तो ये सीख लो। दूसरी, अपनी फिक्र करो, दूसरों की फिक्र छोड़ दो, बस यदि 2 काम सीख गए आप, दूसरा कुछ भी हो रहा है किसी के ज़िंदगी में, कुछ भी चल रहा है चलने दो, उसकी ज़िंदगी है ना पर्सनल, वो सोच लेगा, अरे अपनी ज़िंदगी से इतना बवंडर कम है कि हम दूसरों की क्या सोचें। मेरे साथ तो बहुत लोग मुझे सेल्फिश समझते हैं, सोचते हैं बड़ा सेल्फिश आदमी है, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, कुछ नहीं करता। अरे मदद कर दो, मदद करने में क्या बुराई है, लेकिन अब किसी की मेरे 5 दोस्त यदि बैठे होते हैं तो 5 दोस्त में मैं सिर्फ खुद की बात करता हूँ कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, मैं नहीं कहता उसकी दिक्कत यह है वो, क्या मजा इसे, ये तो ये हो गया कि आप उसका मजा ले रहे हो। मज़ा लेने वाली आदत होती है ना कुछ लोगों की, कि दूसरों की टांग खींचते हैं, दूसरों का मजा लेते हैं, ये सब क्या है, आपकी कमजोरी के लक्षण है।
लोग कहते हैं सेल्फिश कहने, तो क्या दिक्कत है, हमें सिर्फ अपने से मतलब, अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ में क्या घट रहा है उसको लेकर अवेयर रहो, अपने हेल्थ में क्या चल रहा है उसको लेकर अवेयर रहो, अपने ब्रेन सिस्टम को लेकर अवेयर रहो, और जैसे ही ये गंदगी आए अलर्ट रहे आपके ब्रेन में, तुरंत अलर्ट आए और उसको तुरंत वहीं से रिमूव कर दो। यदि ये दो तीन हैबिट आप डेवलप कर पाए, ज़िंदगी में कोई आपको दुखी नहीं कर पाएगा, आप सबसे खुश प्राणी होंगे। दरअसल रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो कैसे हो पाएगा, है ना। तो कोशिश करिए कि ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाइए, लाइफ मैनेजमेंट में सबसे आवश्यक चीज़ें हैं। लोग परेशान हैं, मैं तो कभी कभी अपने घर पर ही देखता हूँ, मेरी माता जी हैं वो पड़ोसी को लेके परेशान है, इसको लेके परेशान है, मैं उनको सब समझाता हूँ, अरे मर जाओगे, ज़्यादा नहीं बची ज़िंदगी और 5-10 साल बची है, कुछ तो अपने लिए कर लो। बोलते नहीं पड़ोसी का ये, अरे भैया उसकी लाइफ वो जाने दो, करने दो उसे, दिक्कत है ना सोसाइटी में, क्या करेंगे आप, यही सिखा रही सोसाइटी। आप अपने प्रति अवेयर रहो और अपने आप को मजबूत बनाओ, काम करो अपने ऊपर, बिजी रहो, व्यस्त रहो, टाइम ही नहीं अपने पास, कहाँ टाइम है बताओ, कोई मुझे टाइम कैलकुलेट करके बता दे। कभी कभी मैं खुद का भी बैठ के देखता हूँ तो लगता है कि क्या होगा, समय ही नहीं है, कितना समय है, निपट जाएंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस्लाम कहता है कि नहीं होता है, हिंदू धर्म कहता होता है, बौद्ध धर्म कहता, सब का वो कहते हैं आत्मा होती है, जैन धर्म कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, किसकी माने। तो अब होगा अगला जन्म कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अब इस जन्म में समय नहीं है अपने पास। तो मुद्दा इस बात का है कि आपके पास समय नहीं है, जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज़ समय है, जिसको आपने अभी तक नष्ट किया है। मत करो, अपने काम पे काम करो और बहुत काम करके जाना है, यदि बहुत काम करके जाना है तो उसके लिए बहुत अपार समय चाहिए और ऊर्जा चाहिए, और दोनों आप तभी पैदा कर सकते हैं जब आपके पास वो 17 साल का बच्चा जिंदा रहे जिसके दिमाग में न गंदगी थी, न दूसरों की फिक्र करता था, वो उसको अपने से मतलब होता है। छोटे बच्चे को देख लो, उसको दूसरे के खिलौने दूसरे को मिल जाए उससे खुश नहीं होता वो, उसको अपने से मतलब होता है, अपनी ज़रूरतें उसकी पूरी हो गई, वो मस्त हो गया, उसको बाकी कोई लेन देन है, जब भूखा होगा तो रो लेगा ताकि भोजन मिल जाए उसे, और जैसे ही भोजन मिल गया उसको ये मतलब थोड़ा दूसरा खाया कि नहीं खाया, हमें आधी टेंशन यही रहती है। ये सब चीज़ें ख़त्म करो, फिर देखो लाइफ का अलग ही इन्जॉयमेंट है, ठीक है, फिर देखो आपकी ब्रेन की एनर्जी, आपकी पावर, आपकी इनर पावर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। मेरे को ये है यहाँ पे एक बच्चा भी रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को यहाँ पे 500 आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 10 रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्या है, ये है कि अपना काम, मेरा काम है आना डेली और ईमानदारी से पूरे कंटेंट को आपको दे के जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, अपना काम ईमानदारी से करने लग जाइए, आपके तनाव ख़त्म हो जाएंगे, जिम्मेदारियाँ आपकी अपने प्रति होनी चाहिए, दूसरों के प्रति, दूसरे अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, यदि हाँ आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो तो फिर आपको दिक्कत होनी चाहिए। ये चीज़ें सीखो, नहीं सीखोगे तो फिर क्या होगा, क्लास में बैठे हो टेंशन दूसरे की है कि दूसरा नहीं आया, उसका छूट गया, अरे भाई अपना तो करो, अपने आप से मतलब रखो, दूसरे का क्या लेना देना आपका, समझ रहे हैं अलाउद्दीन जी, लाइफ यही है। इसको स्वार्थ नहीं कहते, इसको कोई कहे कि यह स्वार्थ है, मदद करो, मददशील बनना चाहिए, उससे एक अलग सुख मिलता है, लेकिन आप दूसरों के पचड़ों में क्यों पड़ना चाहते हो, उसका पचड़ा है वो सॉल्व कर लेगा, कोई आए भी आप पचड़ा लेकर तो बोलो कि देखो टाइम नहीं है मेरे पास, इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है माफ़ करिएगा मुझे, अपने आप अपने ही इतनी झंझटें हैं, 4 झंझटें अपनी और बता दो, कोई ज़्यादा परेशान कर रहा हो, ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा हो, पैसे मांगने लग जाओ उससे, सबसे इजी तरीका है बता रहा हूँ, किसी से पीछा छुड़वाना हो 5-6 बार पैसा मांगो, फ़ोन करने चालू कर दो, भाई पैसे चाहिए यार 10,000 रुपये दे दो, बहुत ज़रूरत है मैं लौटा दूंगा, 3-4 बार के बाद वो कभी फ़ोन उठा ले आपका, मैं लिखित तौर पे देता हूँ, फिर जब करे यार इतना टाइम हो गया यार फिर चाहिए, अभी ख़त्म हो गया, अभी देखो मैं कहाँ से जुगाड़ किया था, अभी उसे लौटाना है फिर दे दो, तो वो फिर कभी नहीं करेगा। अच्छा जितना फ्रस्ट्रेटेड इरीटेटेड आदमी हो, एक मेरे मित्र थे बहुत परेशान किए हुए थे, मैंने फिर उनको ऐसे ही तरीके बना दो, पिताजी की तबीयत ख़राब है ऐसा इमरजेंसी बनाओ कि इसके बाद फिर फ़ोन उठाएगा ही नहीं आपका, ना आपको परेशान करेगा, रूम पे आता है तो रूम पे 5 चीज़ें ऐसे ही सेट कर दो, काम करवा लो उससे, चलो यार अगली बार से। तो 50 तरीके हैं जो ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रहे हो, 50 तरीके, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, बस आपको हथकंडे आने चाहिए, लेकिन दिक्कत ये कि चूंकि आपको मजा आता है, वो आता है 4 बातें इधर की खुचिल बताता है, देखो उसको ये हो गया, देखो उसका ये हो गया, वो यहाँ पे परेशान है,
उसका ये दिक्कत चल रहा है, उसका ये दिक्कत चल रहा है, उसके घर पे ये हो गया, उसको पुलिस पकड़ ले गया, अरे बड़ा एंजॉय, पूरा जो जितना भी रस है ना आपके दिमागों में, फिर एक एक करके डोपामाइन बहना शुरू होता है, क्या बात है, भले खुश, वो दूसरे के दुख से आपको खुशी हो रही है। ये सब चीज़ें दिखाता है कि कितने कमज़ोर आदमी हो आप, इनर पावर आपकी कितनी जीरो है, दूसरों के दुख से खुश है ना। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, बस ये चीज़ें सीखो और अपने आप पे काम करो, इनर इंजीनियरिंग करो, ठीक है। बाहर की लाइफ को लिमिटेड कर दो, बस एक ब्रेक लगा दो, ब्रेक ख़त्म बात वहाँ से, इसके बाद में, ठीक है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, विषय वस्तु है हमारी